फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बायोस्फीयर। आज इस वीडियो में अभी करंट सिचुएशन जो है, जो डाना साइक्लोन जो हम लोगों के लिए एक बहुत ही एक अलार्मिंग कंडीशन है। देखिए, हम लोग जैसे तैसे तो अलग से बच सकते हैं, लेकिन घर का जो बाढ़ से एक पिंजरे में है, एक घर में है, उसको कैसे बचाओगे? या इस टाइम पे क्या क्या बीमारी या क्या क्या प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है? हवा का गुजर बढ़ जाएंगे, तेज़ी से हवा बहेंगे, जहाँ का छत में सेटअप हो अगर प्रॉपर गार्ड नहीं है तो पानी में भी भीग सकता है। मतलब लगभग जिसको कहा जाता है वेदर का मतलब माँ बाप इधर उधर हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे, प्रकृति को तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये हम लोगों की क्षमता के मतलब बाहर है एकदम। हम सोच भी नहीं सकते, जो कोई पंखा नहीं चल रहा है जो रेगुलेटर को कंट्रोल करे, ये एसी नहीं चल रहा है तो रिमोट को कंट्रोल करे। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग तो जैसे तैसे ड्रिंक करके, अदरक चाय पी के, वॉट एवर जो चीज़ कुछ भी हम लोगों को खुद को शरीर को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन पे बाढ़ का इनडाइजेशन प्रॉब्लम, लूज मोशन, पेदर फुला के बैठ जाना, ठंड लगना, कफ जम हो जाना, ये सारे चीज़ आम बात है। चाहे छोटे बाढ़ हो बड़े बाढ़ हो, अगर आपका बाढ़ का दो कारण है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, मतलब इम्यूनिटी जिस बाढ़ को जितना होना चाहिए उतना नहीं है, रोग प्रतिरोध क्षमता और डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग कैसे बाढ़ को सुरक्षित रख सकते हैं? पहले तो है मैनुअल जो है, अगर आप जानते हो जो बारिश मूसलाधार तो होगा ही, ये हम लोग के कंट्रोल के बाहर है, तो एक प्लास्टिक का बंदोबस्त कीजिए केज के आसपास, जब ढक दीजिए, ठीक है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ढक दीजिए उसको, क्योंकि पानी ना लगे। हवा को भी जैसे तैसे आपको छोटा मोटा हवा, मतलब बहुत ही तेज़ी से हवा बह रहे हैं, मान लीजिए जिस दिशा से ये लैंडिंग होगा या जिस दिशा से ये आगे जाएगा, ये तूफान अपना रास्ता तय करेगा, तो आसपास तो सेटअप होगा ना, चाहे वो उड़ीसा से ही देख रहे हो या कहाँ से भी, जो जो मतलब इलाका या लोकेशन अफेक्टेड होगा उसी सिचुएशन। तो ऐसे नहीं है जो बाढ़ नहीं है, बाढ़ तो कभी भी किधर भी हो सकता है, घर में, छत में, किसी घर में, टॉप में, कहाँ पे भी। तो ऐसे कंडीशन में ये बीमारी आम बात है, सर्दी जुकाम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम और भी तरह तरह का, जो अगर भीगते हैं तो ज़्यादातर सर्दी जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ होम्योपैथिक में। पहले तो मैं नेचुरल बता दूँ, अभी से अगर मान लीजिए प्रिकॉशन के लिए, इसीलिए मैंने वीडियो डाला, तो एक कल दो दिन पहले डाल रहा था लेकिन टाइम नहीं मिला तो आज डाल रहा हूँ। अदरक का चाय बना के आपका बाढ़ को जरूर दीजिए, उससे थोड़ा सा एक दो लौंग भी दे दीजिए, इससे आपका बाढ़ का इंडाइजेशन प्रॉब्लम रुक जाएगा, शरीर में एक ताकत मिलेगा, सर्दी जुकाम से बुखार से बच जाएगा। अदरक एक दो लौंग, थोड़ा सा मात्रा में, इतना सा अदरक, हाँ एक लीटर पानी है तो अदरक मोटा मोटी इतना लेना पड़ेगा, उसका छोटा छोटा टुकड़ा पीस करके, और थोड़ा सा ठोक लीजिएगा, रस निकल आएगा तो पानी में उसका रस मिलने में सुविधा होगा। लौंग को भी थोड़ा सा ठोक लीजिए, ठोकने के बाद अब गर्म पानी में छोड़ दीजिए तो उसका जो ऑयल है निकल आएगा, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चुटकी भर ब्लैक पेपर अब मिला के उसको प्रोवाइड कीजिए दिन में दो बार करके, सर्दी जुकाम से बचा रहेगा, बुखार से बचा रहेगा, इंडाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, शरीर में एक अलग सा ताकत मिलेगा। नंबर वन, अजवाइन, जीरा, मौर मतलब सौंफ और धनिया का पानी कंटिन्यू रखिए इस टाइम पे, इंडाइजेशन प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, पेट खराब, ये सारी चीज़ में रोकने के लिए, क्योंकि ये चारों इन्ग्रीडियंट्स में भर के न्यूट्रिशन है जो इम्यूनिटी में भी हेल्प करेगा। ये तो क्या नेचुरल। और आपका पार्ट्स अगर नीम का पानी मतलब नीम पत्ता, तुलसी पत्ता ऐसे ही च्यूइंग करके खाते हैं तो ज़रूर दीजिए, कोई असुविधा नहीं है, सही मात्रा में, ऐसे नहीं है जो एक इतना डाल दिया, ऐसे नहीं है, सही मात्रा में। होम्योपैथिक में अगर बात करें तो मैं नीचे कॉम्बिनेशन भी जो बता रहा हूँ वो लिख कर भी दे रहा हूँ, इचिनेशिया मादर, एकोनाइट 30, कार्बोवेस 30, जेलसीमियम 30, चाइना 30, ये कर देकर देखिए आपको बाढ़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, इम्यूनिटी ग्रो करेगा, डाइजेशन सही रहेगा, सर्दी जुकाम से बचा रहेगा और शरीर में ताकत मिलेगा। ये चारों मेडिसिन हम कॉम्बिनेशन करके लिख कर दे रही हूँ, इसी कॉम्बिनेशन में सही पोटेंसी भी वहाँ पे है, इचिनेशिया सिर्फ मादर है, बाकी सब देखिए 30 पोटेंसी में है, इसको मिला के आप प्रोवाइड कीजिए सही मात्रा में,
दूसरा पॉइंट ये है जो आप अल्फा अल्फा टॉनिक को भी इस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, जो SBL जेंसिंग है उसको। हाँ, अगर आप बांग्लादेश पाकिस्तान से ये वीडियो फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे अल्फा का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे वहाँ पे लिखता है, जैसे मान लीजिए एंडोग्राफ मतलब कालमेघ है, नक्सभूमिका है, पेरमपॉस है मतलब आयरन के लिए, कार्बोवेज नहीं है, कलीफॉस है, काली मूर है, ऐसे बहुत सारे अच्छा अच्छा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो इससे ये टॉनिक बनाया जाता है। ठीक है, ये टॉनिक को भी यूज़ करके आप हेल्थ, सर्दी जुकाम, इंडाइजेशन को फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक हो गया एक टॉनिक और एक दूसरा एक मेरा कॉम्बिनेशन। और मतलब एलोपैथी में बात करें तो पहले तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पैरासीटामोल साथ में रखती है, लिक्विड पैरासीटामोल मतलब जिसको पैरासीटामोल P250 कैल्पॉल 250 इंडिया में मिलता है, और 250 मतलब 250 पावर बर्ड्स को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब बैकअप प्लान में रखती है। पहले तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, कोई डाइजेशन मेडिसिन दीजिए, कोई लीवर गार्ड दीजिए। लिप 52 को भी दे सकते हो, लेकिन मेरी लिप सिमोलिप आपका वेटनरी में ब्रोटन है तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एम्बीप्लेक्स नहीं तो पॉलीबियन। अगर आप लोकेशन देख रहे हो तो सर्दी जुकाम का, बॉडी टेम्परेचर पैर का टेम्परेचर ज़्यादा है बॉडी से, तो बुखार ज़रूर आया है, तो इसी कंडीशन में ये सारे मेडिसिन यूज़ करके। हाँ, अगर बुखार तेज़ी से बढ़ रहा है या सर्दी जुकाम बलगम जम चुका है कुछ कारण के वजह से, तो एजिस्ट्रॉल 100 नहीं तो 200 ये भी हम लिख कर देंगे, इससे उठा लेना। तो ऐसे सिचुएशन पे थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस, और जब भी दीजिएगा थोड़ा सा होम्योपैथिक जब भी दीजिएगा या नेचुरल जब भी दीजिएगा, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी में दीजिएगा, इससे उसको पीने में शरीर यहाँ से जब उतरेंगे ना आराम मिलेगा, कुछ इन्फेक्शन है उसमें भी आराम मिलेगा। तो ये करके देखिए, चाहे आपका हैंडटेम बाट हो चाहे आपका केज बाट हो, दोनों पर मदद मिलेगा। नमस्कार।